नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान दोस्तों का। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम प्रेग्नेंट बकरी की पहचान कैसे करें, और अगर हम प्रेग्नेंट बकरी के साथ फार्म शुरू कर रहे हैं तो उसमें होने वाली कौन कौन सी परेशानी है उसके बारे में, और साथ ही साथ अगर हम प्रेग्नेंट बकरी को लेकर आते हैं तो उसको लाते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, ट्रैवलिंग के दौरान कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, और साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुने ताकि जो भी किसान भाई अगर प्रेग्नेंट बकरी के साथ अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगी ये जानकारी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि प्रेग्नेंट बकरी की पहचान कैसे करी जाए। तो पहला तरीका आ जाता है कि भैया आप उसके पहले शारीरिक दृष्टि से देखकर आप उसे पहचान सकते हैं, जैसे है ना उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो पहले अगर हम बकरी को देखते हैं, जैसे इस लॉट में ज़्यादातर बकरियाँ जो हैं ये सब प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, तो पहले मैं इनके व्यवहार के शरीर दृष्टि की बात करता हूँ। तो जो इनके दाहिने हिस्सा रहता है, पेट का जो दाहिना हिस्सा रहता है, वहाँ से आपको पता चलेगा, आप वहाँ छूकर पता कर सकते हैं। 2 से 3 महीने की प्रेग्नेंट बकरी होने पर उभार आराम से आपको दिखाई देगा, वहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि इसका हीट में ना आना है ना, और बकरे के साथ ना लगना, ये कुछ लक्षण है कि आपको पता चल जाएगा कि बकरी हमारी प्रेग्नेंट है। और साथ ही साथ इसके अगर मान लीजिए बकरी पहली बार बच्चा दे रही है तो 2 से 3 महीने के बाद इसमें इसके थनों में थोड़ा सा दूध आना, ये एक लक्षण हो जाता है। और फिर इसकी बात कर लेते हैं व्यवहार में, तो ये अधिक खाना शुरू कर देती है ना, और बकरे से नहीं लगती है, ये कुछ प्राइमरी लक्षण हैं, पुख्ता हर एक बकरी में पाए जाते हैं। और इसका जो व्यवहार है वो शांत तरीके का हो जाता है, झुंड में ही में रहने पर भी ये शांत व्यवहार करती है, और खाने में अत्यधिक बढ़ोतरी इसकी देखी जाती है। तो कुछ ये प्राइमरी चीज़ें हैं जो आपको अपनी बकरी पर ध्यान देनी है। और अगर आप प्रेग्नेंट बकरी के साथ आप फार्म शुरू कर रहे हैं तो अब कैसे पहचाने कि बकरी वहाँ पर प्रेग्नेंट है कि नहीं है, और हम अगर बकरी लेकर आ रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ कि मान के चलिए जैसे आप बकरी लेने जा रहे हैं तो आप ये पहचान सकते हैं कि जैसे उसकी पहली पहचान आ जाती है कि बकरी आप देखिए पहले उसके पेट का आकार देखिए, दाहिने हिस्से को पकड़ कर देखिए, और साथ ही साथ आप उसे उसके मतलब पूँछ हिलाने जो क्या होता है कि बार बार वो पूछ लाती है ना, तो वो शांत हो जाती है, बकरी झुंड में ही शांत खड़ी रहती है। या आप कहीं से लेकर आ रहे हैं, किसी फार्मर के यहाँ से लेकर आ रहे हैं, किसी मंडी से लेकर आ रहे हैं, तो कुछ इन लक्षणों को आप विशेष तौर पर दिमाग पर रखें। और दोस्तों मेरा ये भी कहना है कि जैसे आप प्रेग्नेंट बकरी के साथ फार्म शुरू कर रहे हैं तो इनको लाते समय आप विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको कितने महीने की प्रेग्नेंट बकरी के साथ फार्म शुरू करना चाहिए इसके बारे में बता देता हूँ। जो फार्म आपको शुरू करना है ये 2 से 3 महीने की ही बकरी के साथ शुरू करना है, इससे ज़्यादा मतलब महीने की बकरी को लाते हैं, प्रेग्नेंट बकरी को लाते हैं तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है ट्रैवलिंग के दौरान। अगर आप किसी फार्मर के यहाँ से कहीं से लेकर आते हैं बकरियों को तो उसमें समस्या ये आ जाती है कि ट्रैवलिंग के दौरान इनको आने वाली समस्याएं जैसे झटका लग जाना, जर्क लगना, इसकी वजह से भी मिसकैरेज होने का समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों 2 से 3 महीने की ही प्रेग्नेंट बकरी के साथ उचित रहता है हमको बकरी पालन शुरू करना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा महीने के साथ आप शुरू करते हैं तो समस्या ये आ जाती है कि मान के चलिए अगर ट्रैवलिंग के दौरान झटका लग गया या बकरी से बकरी भिड़ी या बैठते समय उसको परेशानी हुई तो यहाँ पर पेट में जो बच्चा है वो नष्ट होने के समय चांसेस रहते हैं, ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप लाते समय विशेष ध्यान रखें। और ज़्यादातर प्रेग्नेंट बकरियों के साथ एक लाभ ये मिल जाता है हमको कि भाई हमको कम समय में भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन मिल जाता है। तो आप बिल्कुल प्रेग्नेंट बकरी के साथ जो अपना फार्म है वो शुरू कर सकते हैं। ये गंगा बकरी फार्म एंड पोल्ट्री ट्रेडर्स की बकरियाँ हैं,
ये फॉर सेल भी हैं, जिन किसान भाइयों को चाहिए हो वो आप इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दोस्तों ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।